हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, देखिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लेक्चर को स्टार्टिंग टू एंड तक वॉच कीजिए सही से। ओके, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, देखिए इस लेक्चर का जो मेन हेडिंग क्या है, हाउ टू स्कोर 90% विद इन 60 डेज। ओके, और हमको 60 डेज में 90% कैसे स्कोर करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 60 डेज में 90% लाने के लिए आपको एक छोटा सा क्या है, 60 डेज चैलेंजेस फॉर ऑल स्टूडेंट। ओके, अगर आपको 60 डेज में 90% लाना है तो आपको कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे 60 डेज ही आप क्यों बोल रहे हो, आज तो कुछ 26 तारीख ही है, टुडे इज 26। ओके, 26 नवंबर, तो यहाँ से बचता है आपके पास 4 डेज। ओके, मैं 4 डेज ही लेता हूँ। फिर बाद में आता है आपका दिसंबर, फिर आता है जैन, फिर फेब। दिसंबर पूरा 31 है, 30 है, और ये आपका कितना है, 20 डेज, क्योंकि 20 के बाद एग्जाम है। ओके, तो मैं ये 20 डेज छोड़ देता हूँ रिविजन के लिए। ओके, और अब मैं इसको भी सिर्फ 30 कंसिडर करता हूँ, क्योंकि 31 में सब लोग मजा मस्ती करते हैं। ओके, तो ये मैंने 30 और 30 60 डेज काउंट किया है, दिसंबर और जैन। ओके, ओनली हमने किसको काउंट किया है, दिसंबर और जैन को, इसके लिए मैं यहाँ पे 60 डेज ही लिख रहा हूँ। देखिए अभी ये जो 4-5 दिन बचा है, आप उसको क्या कीजिए, सिंपल में मालूम है, जो भी आपके इंटरनल वर्क है। ओके, इंटरनल वर्क दैट मीन्स क्या होता है कि आपके कुछ असाइनमेंट रहेंगे, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह रहेंगे, या तो आपको प्रैक्टिकल्स जो बुक्स रहते हैं, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी हो एक्सेट्रा वगैरह, वो सब आप कंप्लीट कर लीजिए पहला काम। उसके बाद उसका क्या करना, आपको सब्जेक्ट के ऊपर जाना है, और सब्जेक्ट के लिए पर डे को परफेक्ट रूटीन बनाइए कि हमको किस तरीके से पढ़ना है। ओके, तो चलो मैं आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के देता हूँ। अगर आपने 60 डेज का जो चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आप इसको क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो देखिए चैलेंज में आता क्या है, फर्स्ट तो हमको टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल फॉर स्टडी। फर्स्ट क्या करना है हमको, अपने पढ़ाई के लिए क्या करना है, टाइम टेबल बनाना। वो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या तो जो मैं आपको बना के दूंगा आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो। देखिए जो बच्चे टॉपर है ना, जिनका पहले से सपना है 90, 95, 98 लाने का, उनका मैं गारंटी देता हूँ कि उनका ऑलमोस्ट पढ़ के हो गया रहेगा, वो लोग रिविजन करना चालू कर दिए। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, पढ़ के हो गया रहा, उनका रिविजन करना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको कोई टेंशन रहता है कि भाई हमको तो स्टेट बोर्ड देना ही है, साथ में साथ सीईटी कुछ रहते हैं, कुछ जेई रहते हैं, कुछ नीट देते हैं, तो उसके हिसाब से लोग प्रिपरेशन करते हैं। ओके, आपको सीईटी भी देना है या तो जेई देना है, जो भी, अगर आपको JEE देना है तो आपको पता है कम से कम आपको 12th में 75% आना चाहिए, उससे कम में अगर रहेगा तो आप एलिजिबल नहीं जेई देने के लिए। ओके, और सीईटी के लिए 55+ हर एक में होना चाहिए, तो मैं तो मान के चलता हूँ 60 लेके आओ प्लस, तभी जाके उसके लिए आप एलिजिबल, अदरवाइज उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। ओके, देखो सीईटी के लिए आप कम से कम 60+ ऑल सब्जेक्ट में लेके आओ, और JEE के लिए कितना चाहिए आपको, कम से कम 75%, ये तो चाहिए चीज में, क्या 55 कुछ रहता है, मैं 60 आपको बता के दे रहा हूँ, इतना परसेंट आप लाओगे तब इसके लिए क्या हो गया, आप एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। आप वो एग्जाम तो दिए लेकिन उस कैटेगरी में आप नहीं बैठते हो, तो आपको CET+ आपका स्टेट बोर्ड दोनों को साथ में प्रिपेयर करना है। तो वो कैसे करना है देखते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं फॉर स्टडी के लिए। मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में आप क्या हुआ, 7 o'clock उठ गए, 1 आवर ले लो ना, 1 आवर ले लो, फ्रेश हो गया, 8 बजे तक क्या हो गया, फ्रेश हो गया, 7 to 8 क्या हुआ, फ्रेश हो गया। ओके, फिर आपको 8 to 11 पढ़ना है, क्या करना है, स्टडी करना है, 8 to 11 क्या करना है आपको, स्टडी करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 11 to 12 आप क्या कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, ब्रेक लीजिए, इसमें आपको खाना, जब भी खाना, जब भी चाहिए ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा टाइम पास कर लीजिए, वो हो गया। फिर वापस से 12 to 3 स्टडी। ओके, वापस से स्टडी,
फिर यहाँ से क्या क्या चाहिए, तो 3 to 5 दो घंटे का ब्रेक लीजिए, 3 to 5 टू आवर्स का क्या हो गया आपका ब्रेक, क्या हो गया आपका ब्रेक। फिर इसके बाद क्या करना आपको, 5 to 8 स्टडी करना है, ओके 5 to 8 स्टडी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है मालूम है, ब्रेक ले लीजिए कितना, 8 to 10 ब्रेक ले लीजिए, खाना वाना खा कर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आराम से मतलब टहल भी लीजिए। उसके बाद आता है 10 to आप चाहिए तो 1 पढ़ सकते हो तो 2, क्योंकि देखिए आप 7 बजे उठ रहे हो तो आपको 5 घंटे नहीं चाहिए ना, तो आप यहाँ से 1 या 2 इतना क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये मेरे तरफ से मैं प्लान बना के दे रहा हूँ आपको, बाकी अगर आपने कुछ और शेड्यूल फिक्स किए हैं तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, अब आपको कम से कम मिनिमम पर डे 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको स्टडी करना ही है इफ़ यू वॉन्ट टू गेट दिस परसेंट। अगर आप 85 के ऊपर जाना चाहते हो, 80 के ऊपर जाना चाहते हो, तो आपको 6 to 8 आवर्स स्टडी पर डे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई चारा नहीं कि आपको इतना परसेंट आ सकता है। क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं जिनको 90% एक्चुअल में लाना है वो स्टार्टिंग कर चुके हैं, उनका हो चुका है सब पढ़ के, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो कि करना चाहते हैं बट उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा, उनको मतलब समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में करे क्या। तो फर्स्ट यू हैव टू डू क्या, कि जितने पेंडिंग काम है आपके पास, असाइनमेंट हो गया, वर्क हो गया, जर्नल हो गया, सब क्या करो, लिख के रख दो, खत्म कर दो, साइड में कर दो। फिर उसके बाद जब आप पढ़ना चालू करो तो आपका कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना, इसके लिए क्या बोलो, सब चीज लिख के साइड में रख दो। लिख के रखने के बाद आप क्या करो, इस तरीके से रूटीन बनाओ। अब देखिए इसमें कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 आवर्स हो रहा है आपका स्टडी, 1 आवर ब्रेक, यहाँ पे 3 आवर्स, यहाँ पे देखो ब्रेक हो, यहाँ पे 3 आवर्स और यहाँ पे 3 आवर्स, देखिए 3 दिनों 6 दिनों 12 आपका मैंने 12 आवर्स का क्या क्या स्टडी का टाइम बना लिया। आप अगर जो इस तरीके से स्टडी करते हो, इस टाइम पर जो मैंने आपको बना के दिया, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 85+ कहीं नहीं गया है, 85%+ आपका कहीं नहीं गया, इसकी गारंटी मैं देता हूं अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो। और एक बात बता देता हूं मैं, इस टाइम टेबल को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम पढ़ रहे बीच में ब्रेक मिला तो मोबाइल चलाने लग गए, चल भाई दोस्तों से बात कर लेते हैं, कुछ लोग होते गर्लफ्रेंड से बात कर लेते, कुछ लोग बोलते बॉयफ्रेंड से बात कर लेते, अगर आप बीच में सब काम करते हो तो भूल जाओ, फिर पास होने के वांदे हो जाएंगे। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा फेंक नहीं रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपसे कि भाई 2 घंटा पढ़ा 2 घंटा मोबाइल चलेगा तो पास भी हो जाएंगे, कुछ नहीं, बहुत तकलीफ होता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने बहुत बच्चों को देखा है अपनी आंखों से, वो लोग सोचते कल पढ़ेंगे, कल करते करते लास्ट 1 महीना पढ़ेंगे, फिर वो भी नहीं पढ़ते, फिर जो होगा देख लेंगे आराम भरोसे, उनको पता है ना, क्योंकि एक क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है वापस से जुलाई में, तो बच्चे सोचते इस महीने तो उसमें निकल जाएंगे, लेकिन उतना टाइम क्यों वेस्ट करना फालतू में। अभी जो बोर्ड अभी दे रहे हो फेब्रुवरी में वही सेम बोर्ड वहाँ पे देना है, तो 3 महीना वापस से क्यों पढ़ना भाई, अगर आपको पढ़ने तो पहले पढ़ दो ना, क्या उसके लिए वापस से मोबाइल मारी करोगे, ओके। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठो, पहला काम पढ़ने के लिए जब बैठते हो तो आपका जो मोबाइल होता है इसको क्या कर दो, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो। ये बीच में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में जितने भी बच्चे पढ़ाई से दूर जा रहे बिकॉज ऑफ दिस, ये मोबाइल बच्चे को बहुत ही बिगाड़ दिया है। है तो अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन बच्चे उसको गलत यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखेंगे, ये नहीं होता कि लेक्चर देख ले, बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे से एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आपको वहाँ पे, आप वहाँ से किनका भी वीडियो रेफर कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल के लिए, तो वो बच्चे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे मोबाइल से कहीं किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो उसके ऊपर चले जाते, फिर पढ़ाई छूट जाता है, फिर बाकी काम चालू हो जाता है। तो आप जब भी स्टडी करने के लिए बैठते हो तो ट्राई करो कि मोबाइल को साइड में रख दो और आराम से शांति से बैठ जाओ। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ते समय क्या करते हैं, बॉटल भर के पानी ले लेते हैं, चॉकलेट वगैरह ले लेते हैं। अरे ठीक है ना, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो यार, 2 घंटे में क्या खाना खाना, आपको ब्रेक दिया ना उसमें खाओ ना, नाश्ता करो। अगर आप सोचो ना, सपोज आपने पानी पिया, 1 बोतल पानी पिए 2 घंटे में, तो पानी पीने के बाद आपको पता क्या होने वाला है, आपको बार बार क्या लग गया, टॉयलेट लग गया, तो आप उसके लिए बार बार उठोगे जाओगे आओगे जाओगे, तो पढ़ाई कब करोगे। इफ अगर आप चॉकलेट भी खाते हो तो बार बार मुंह चलते रहते, फिर माइंड कहीं और भागता है। कुछ लोग होते हैं ना कि बच्चे बोलते हैं या तो कोई और भी बोलते हैं कि यार खाते खाते पढ़ाई करो, या तो चल के पढ़ाई कर सकते हो वो बेटर है, लेकिन खाते खाते पढ़ाई करो, पानी पीते रहो, उससे क्या होता मालूम है, नींद वगैरह तो ठीक है नहीं आता है, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो खाने पे और पीने पे चले जाता है, सिर्फ पढ़ाई से दिमाग हट जाता है आपको। तो ट्राई करो, जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए।
आप चाहिए तो ऐसा टहल के पढ़ सकते हो, ओके, टहल के पढ़ सकते हो, तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरीके से पढ़ना बेटर लगता है, आप किस तरीके से ज्यादा मतलब बोल सकते हो ज्यादा ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड कर पाते हो, बैठ के या तो खड़े होके या तो चेयर पे बैठ के या तो नीचे बैठ के, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ बच्चे क्या होते हैं आराम से ऐसा मस्त ऐसा मतलब बेड पे बैठ के ऐसा पढ़ते रहते पढ़ते 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 कब सो जाते पता ही नहीं चलता, तो वो उस तरीके का नहीं पढ़ाई होता है। बेड पे आप जहां बैठ के पढ़ना चालू किए बेड पे आप बैठ के पढ़ो ही मत कभी, क्योंकि आप जैसे आप बेड पे बैठते पढ़ने के लिए ना तो बॉडी में आलस आता है, आलस आना धीरे धीरे क्या होता है नींद आना चालू रहता है, फिर हम सोचते अरे कल पढ़ लेंगे, कल सोचते शाम को पढ़ेंगे सुबह पढ़ेंगे, तो ऐसे में कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान से रखना है कि आप इस तरीके को देखें, सुबह 7 o'clock उठ गए, 1 hour का आपके पास क्या ब्रेक है, उसमें क्या करें ब्रेकफास्ट कर लीजिए, चाय नाश्ता जो भी करते हो कर लीजिए, उसके बाद 8 बजे बैठे पढ़ने के लिए, 8 to 11 क्या करना है स्टडी करना है, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो, फिजिक्स करते हो, मैथ्स करते हो, बायो करते हो, केमिस्ट्री करते हो, या तो कॉमर्स वाले बच्चे इको CSE जो भी कर सकते हैं BK वगैरह, हाँ वो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आप कौन से टाइम में किसको क्या दे सकते हो, ओके ये डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है, फिर 2 घंटे का देखो यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक है, खाना वाना खा लिया, फिर आपको 12 से 3 पढ़ना है, फिर यहाँ से देखो 3 to 5 2 घंटे का ब्रेक है, तो आप 1 घंटा कहीं वॉक करके आ सकते हो, नाश्ता से करके वॉक करके आ गया, फिर उसके बाद क्या देखो 5 to 8 पढ़ने का, फिर 2 घंटे का ब्रेक है, 2 घंटे के ब्रेक में आप खाना खा लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, फिर आके वापस से बैठ जाइए, फिर आप क्या करिए चाहे तो किसी का कैपेसिटी था 2 घंटा पढ़ने का, 3 घंटा पढ़ने का, 4 घंटा, तो आपके ऊपर अगर चाहते हो 1 तक 1 2 तो 2 तक, इस तरीके से पढ़ना है। अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करते हैं तो आई गारंटी यू कि आपको 85+ या तो 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ, उसके लिए आपको मोबाइल साइड में करना पड़ेगा। और भी चीज़ बताता हूँ कि अगर जो थेरी चीज़ है ना थेरी वो क्या करो मॉर्निंग और इवनिंग करो, और दोपहर में क्या करना आपको जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैथमेटिक्स हो गया ओके और कॉमर्स वाले के लिए BK हो गया मैथ्स हो गया ये सब चीज़ें इस समय करो, क्यों क्योंकि इस समय क्या होता है ना हमको कोई भी मतलब अगर मन नींद भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा लेकिन जब हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं ना तो नींद भी भाग जाता है ओके। तो ट्राई करो कि आफ्टरनून में प्रैक्टिकल करो और मॉर्निंग इवनिंग में क्या करो आप उसको थ्योरी वगैरह करो, और जिसको CET देना है इसके साथ साथ उसके भी टॉपिक्स कवर करते चलो, जितने भी MCQ है एटलीस्ट एक टॉपिक के एटलीस्ट 5 to 10 MCQ कवर करो, तब जाके आपको कुछ होने वाला, अदरवाइज नहीं होने वाला है। अगर अभी के समय में अगर जो अगर समझो कि 10 टॉपिक भी पढ़ लेते हो मतलब 10 टॉपिक 10 चैप्टर तो 5-5 8-8 चैप्टर पढ़ लेते हो, फिर एग्जाम्स के बाद 1 महीना बचता है आपके पास उसमें भी आप कवर कर सकते हो, बट अभी जो मेन आपका टारगेट है HSC बोर्ड है, आपका पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, दोस्ती यारी मोबाइल वगैरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और भी जो भी जितनी भी चीज़ डिस्ट्रक्शन की आज के बाद सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, 2 मंथ के लिए 2 महीने के लिए सब भूल जाइए। अगर आप 2 महीने का सब भूल जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 85-90 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं आपको गारंटी, आप इसको सिर्फ फॉलो कीजिए, बस इस टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए, आपको 90 लाने से कोई नहीं दे सकता इसी गारंटी। और देखिए ये तो हो गया आपको टाइम टेबल, फिर आप बोलेंगे यार सर पढ़ना क्या भैया हमको पढ़ना क्या, वो बोलते तो पढ़ना ये है कि आपको क्या करना है लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर को क्या करना है सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने देखा है हर साल का क्वेश्चन मैं चेक कर रहा हूँ तो क्या होता मालूम है जो लास्ट 5 साल 2 साल 3 साल से पहले ना वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के सेम पैटर्न में चेंज कर देते हैं, मतलब पैटर्न सेम रहता है वहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है मिनिमम 5 ईयर का तो पेपर चाहिए चाहिए, मिनिमम क्या कीजिए लास्ट 5 ईयर का पेपर हर एक फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ्स हो बायो हर एक का 5 ईयर का पेपर क्या करो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लो समझ लो ओके और उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये स्कोरिंग वाली चीज़ें होती है, क्योंकि जो बोर्ड का जो पैटर्न होता है ना जो इस ईयर दिया नेक्स्ट ईयर भी उसी पैटर्न में बनाते क्वेश्चन, बस क्या होता है क्वेश्चन का वैल्यू कभी चेंज कर देते कभी कभी क्वेश्चन कभी कभी तो सेम क्वेश्चन आता जो लास्ट ईयर में आता वही सेम इस ईयर में आ जाता है ओके। तो ये इस तरीके से आपको करना है, इसका लास्ट ईयर एटलीस्ट 10 नहीं होता तो 5 ईयर का कर लो कम से कम। और देखिए मैंने ना मैंने Max 1 and Max 2 का लास्ट 5 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर ना क्वेश्चन पेपर ये मैंने क्या किया निकाल के रखा है और हर एक चैप्टर का सेपरेट करके रखा है, हाँ चैप्टर वाइज मैंने सेपरेट करके रखा है और हर एक का सोल्यूशन बना के रखा है, मैंने खुद हैंड रिटन सोल्यूशन भी बनाया है। तो अभी ये जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 वो खत्म होने जितना जल्दी हो सके मैं ट्राई करूँगा कि दिसंबर
खत्म होने से पहले मैं पूरा मैक्स और मैक्स खत्म कर दूं, उसके बाद जो मैंने फायर का क्वेश्चन पेपर बना के रखा है हर एक चैप्टर वाइज अलग अलग करके रखा है, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कितने थ्योरम्स आते हैं, सब चीज मैंने अलग अलग निकाल के रखा है। तो जैसे ही मेरा पूरा जो पोर्शन है खत्म होता है उसे मैं तुरंत ये स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए। तो आप मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बाकी आपका जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। मैथ्स में मैं गारंटी देता हूँ ये मैं आपको पूरा करा के दूंगा, क्योंकि मैंने ये सब चीज रेडी है, बस ये मैं खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। जो हमारा चल रहा है ना रेगुलर लेक्चर वो खत्म होने का मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो खत्म होता है फिर हम तुरंत ये लेके आएंगे लास्ट फायर का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चैप्टर वाइज, ताकि आपको कहीं से कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, आपको देखते मन समझ में आना चाहिए हाँ यार ये क्वेश्चन हमने तो यहाँ पे किया था यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, टेंशन ही खत्म, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में आपको 100 out of 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस जो मैं भी जो सीरीज लाऊंगा दिसंबर में आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें मैं फायर के लास्ट फायर के क्वेश्चन हाँ चाहे जुलाई में हो चाहे फरवरी में हो ओके दोनों ईयर का लेके मैं कंबाइन करके निकाल कर रखा हूँ हर एक चैप्टर वाइज, ताकि आप उसको अच्छे से फॉलो करें और आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। बस आपको क्या करना है, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना ही करना है। इसके लिए मैं अलग से 2 घंटे का लेक्चर लूंगा, 2 घंटा मिनिमम जाएगा एक वीडियो के लिए, 2 घंटा जाएगा, क्योंकि क्या होता है हमको एक एक चैप्टर में 5 साल का क्वेश्चन पेपर है और दोनों ईयर का है जुलाई का और अपना फरवरी का है, तो थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है, हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके अच्छे से करके देंगे, आपको भी अच्छे से आना चाहिए क्योंकि बोर्ड का रूल होता है उस हिसाब से हमको चलना है, स्कोरिंग करना है ओके। बाकी तो हमने किया जितना किया समझने के लिए तो किया ही है, तो आपको बस इसको फॉलो करना है। आप देख लीजिए 60 का जो इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा मैं गारंटी देता हूँ उसको 101% 85 से मार्क्स कम आएगा ही नहीं। बस उसके लिए आपको मोबाइल बंद करना है, दोस्ती थोड़े दिन के लिए बंद करना है, बाकी जो भी चीज़ें ठीक है चलने दो, खाना पीना पढ़ाई, खाना पीना पढ़ाई, घर से बाहर निकलो ही मत चाहिए तो अपने आपको कैद कर लो 60 दिन अगर आप अच्छा मार्क्स चाहते हो। क्योंकि देखिए बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, देखिए मार्क्स तो उतना मैटर नहीं करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता है, एक जो सादा पेपर है कैन नॉट डिसाइड आवर लाइफ, वो हमारा लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। बट हमको कॉलेज में एडमिशन के लिए एरिया में देखो लोग ताना मारते हैं ओके, और जो तुम्हारे दोस्त है फ्रेंड सर्कल है तुम्हारे वो लोग तुमको ताना मारेंगे, तो उस ताने से बचने के लिए जो तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे से उम्मीद लगा के रखें उस उम्मीद को बचा के रखने के लिए आपको क्या करना है, स्कोरिंग तो करना है एटलीस्ट खुद के लिए नहीं तो आपको जो पेरेंट्स है आपके जो टीचर्स है आपके जो एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आपसे उम्मीद ला के रखे हैं कि नहीं मेरे भाई का मेरे बच्चे का अच्छा परसेंट आएगा क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है या तो वो अच्छा कर सकता है, तो एटलीस्ट उनकी उनके जो उम्मीद है ना उनकी उम्मीद है आपके ऊपर, तो उस उम्मीद पे पानी मत फेरिए। ये सबको पता है कि देखिए अगर मार्क्स कम भी आता है ज़्यादा आता है तो उससे हमारा लाइफ तो ख़राब नहीं होता है, हम बाद में कुछ हार्डवर्क करके किसी और फील्ड में करके हम स्कोर मतलब कर सकते हैं, लाइफ हम लोग जी सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके पेरेंट्स भी आपसे क्या लगा के रखें, उम्मीद लगा के रखें, क्योंकि आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ जो चीज़ आपको दे रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उनका भी एक उम्मीद रहता है बच्चों से, तो वो सब इतना सारा आपके लिए कर रहे हैं तो आपका एक छोटा सा फ़र्ज नहीं बनता कि यार मेरे माता पिता मेरे से चाहते क्या है, कुछ तो नहीं चाहते ना अपने लिए, बस वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से क्या हो जाए सफल हो जाए, वो अपने लाइफ में पीछे ना रहे, अच्छा स्कोर करे ताकि एक एरिया में स्कूल कॉलेज में उसको अच्छा रिस्पेक्ट मिले, बस यही उनका एक्सपेक्टेशन रहता है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे खुद के लिए है, क्योंकि अगर मैं 90% स्कोर करता हूँ तो उनका थोड़ी वो रिजल्ट बनेगा, तो रिजल्ट तो मेरे नाम पर बनेगा ना, ये तो किसी टीचर्स का किसी पेरेंट्स का थोड़ी रिजल्ट बनता है, वो बच्चे का बनता है जो बच्चे एग्जाम देता है। तो आप 90% मार लेते हो तो आपका जो रिस्पेक्ट मिलता है एरिया में स्कूल्स कॉलेज वगैरह में, तो वो बस पेरेंट्स को वही चाहिए कि यार मेरे बच्चे को सबसे क्या मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो हर जगह क्या होना चाहिए अव्वल होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप खुद के लिए ना सही तो आप पेरेंट्स के लिए तो पढ़िए यार, जो पेरेंट्स आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, कभी आप उनसे पूछा कि पापा आप काम करते हो, मम्मी आप काम करने जाते क्यों जाते हो, इतना पैसा क्यों कमाते हो, आप कितना मेहनत करते हो, 12 घंटा 8 घंटा क्यों मेहनत करते हो, तो बेटा कभी उनके साथ जाके देखो आप अगर जो उनके साथ जाओगे ना अपने मम्मी पापा के साथ जो भी जॉब पे जाते हैं काम पे जाते हैं, क्योंकि हर एक के पेरेंट्स ना अमीर नहीं होते, हर एक के पेरेंट्स पर मतलब हर एक स्टूडेंट का उतना पैसा नहीं होता, बैकअप उतना अच्छा नहीं होता, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही गरीब है जो यूट्यूब से वीडियो रेफर करके पढ़ते आज भी, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कुछ बच्चे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं, बट कुछ फ्रेंड सर्कल या तो कुछ गलत संगत या तो कुछ गलत आदतों की वजह से क्या होता है, उनका पढ़ाई से नाता टूट जाता है। तो जब भी आप पढ़ाई से आपका मन हटता है तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स का चेहरा देखो, वो जो हार्डवर्क कर रहे हैं आपके लिए एटलीस्ट वो देखो, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सब क्या जरूरत है सब करने की यार, मेरे पेरेंट्स इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, मम्मी भी जा रहे काम पे, पापा भी जा रहे काम पे, लेबर का काम कर रहे हैं हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कि हमारे बच्चे पढ़े। बट अगर जो आप नहीं पढ़ोगे आपका मार्क्स कम आएगा, वो सुनेंगे चार लोग उनके ताना मारेंगे एरिया वाले, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगा, फिर क्या वो कभी मतलब ऐसा उनके अंदर से आएगा क्या यार मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाऊँ तो फिर मैं पढ़ाऊँ या क्या करूँ, नहीं आता ना बेटा, क्योंकि उन्होंने भी एक आस ला के रखा है यार मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट टॉप तो नहीं करे लेकिन कम से कम अच्छा रिस्पेक्टेड मार्क्स तो ला सकता है, 70% 80% ठीक है 98-95 नहीं आ रहा है भाई हम टॉपर नहीं है तो ठीक है ना, तो एज अ एवरेज बच्चा आपका भी तो फर्ज बनता है ना कम से कम 70-80 तो लेके आए, एटलीस्ट उतना फर्स्ट क्लास से पास हुआ तब तो उनको खुशी होगी चलो पास हुआ अच्छे से, मतलब डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है, ये आपको ध्यान ना, अगर जो पढ़ रहे हो तो आपको परसेंट तो लाने पड़ेगा, कम ज़्यादा जो भी आ जाए बात की बात है। और ये भी बता रहा हूँ मैं, वो जो मार्क्स आता है ना वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, ये भी मैं बता रहा हूँ, तो आप ज़्यादा प्रेशर भी मत लीजिए अपने ऊपर, यार सर बोल रहे हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं, पेरेंट्स सब बोल रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो इतना परसेंट नहीं आया तो ऐसा है वैसा है, तो आप जिसका टेंशन मत लीजिए, मार्क्स कम आया तो भी टेंशन मत लीजिए, मार्क्स ज़्यादा तो भी टेंशन नहीं, बस आपको क्या करना शिद्दत से ईमानदारी से आप मेहनत करना है, मार्क्स आप जितना सोचे उतना आया तो भी ठीक है, उससे कम आया तो भी ठीक है, मार्क्स कम आया तो आप गलत कदम मत उठा लीजिए कि भाई मैंने इतना पढ़ा मेरा मार्क्स कम आ गया तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा ऐसा वैसा, वो सब बिल्कुल भी ऐसा माइंड में थॉट मत लाइए, क्योंकि आपके मार्क्स से ज़्यादा ना आपके पेरेंट्स को आप इम्पोर्टेंट हो, बस एक उम्मीद होती है कि बच्चा अच्छा करे। ओके तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, यार मुझे पढ़ना है तो एटलीस्ट चलो ठीक है आपने जितना टाइम वेस्ट कर दिया नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कहावत तो आपने सुनी है ना जब जागा तभी सवेरा, तो समझो आज ही जाग जाओ आप और आज से अभी इसी वक्त से चालू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं स्टार्ट करते हो तो बहुत ही वो होने वाला आपके साथ, बहुत ही कम मार्क्स आएगा, फिर आप लोगों के बीच में दोस्तों के बीच में वो स्टैंड नहीं कर पाओगे, उनका जो एक रहता है ना ग्रुप वो छूट जाएगा आपसे, वो लोग भी धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे, यार ये क्या है सर तो कुछ पढ़ता विड़ता नहीं, हम लोग इसको साथ अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, वरना कहीं बेइज्जती करवा दे, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो अपने आपको उस काबिल बना दो कि लोग आपको लेके ही जाना चाहिए, आपको लोग इन्वाइट करना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ आप लोग आज से अभी से इसी वक्त से चाहे तो कसम खा लीजिए कि भैया ये 60 दिन का जो चैलेंज है जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसको हम सही से फॉलो करेंगे, क्योंकि हमको कम से कम तो इतना परसेंट लाना है, 90 नहीं तो 85 प्लस से लाना, उससे कम लाना नहीं है। बस 2 महीना अपने आपको क्या करिए बंद कर लीजिए, सबसे दोस्ती सब चीज़ से बंद कर लीजिए, हटा दीजिए सबको, त्याग दो सब चीज़, अरे एग्जाम देने का तो आप फ्री हो ना, फिर आप जो मन में वो करो, जहाँ जाना वहाँ जाओ, गाँव जाइए इंजॉय कीजिए, जहाँ जो करना हो कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है, बस ऐसे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ HSC बोर्ड में फॉलो करना है, अभी अच्छे से फॉलो करना है, एकदम बोलते ना कि शिद्दत से एकदम दिल से जितना पढ़ेंगे ईमानदारी से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ये टाइम टेबल देखिए मैंने बना के दिया, आधा आपको टाइम आज टाइम भी मिल रहा है, इंजॉय के लिए भी टाइम मिल रहा है, ओके सोने के लिए भी टाइम मिल रहा है, पढ़ने के लिए भी टाइम है, तो दोनों काम आपका हो जा रहा है। अगर आपको 90% लाना है तो इसको फॉलो कीजिए, अगर आपको 70-80 लाना है तो 6-8 आवर तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे शेड्यूल बनाते हैं। ये मैंने मेरे हिसाब से शेड्यूल बनाया है क्योंकि मुझे मालूम है अगर यहाँ तक आपको पहुँचना है 60 डेज में तो इस तरीके से करना है। फिर जो आपका फेब्रवरी रहेगा एग्जाम से पहले आपके पास कितना 20 दिन मिलता है, तो 6 सब्जेक्ट है PCMB, ओके और 2 हिंदी इंग्लिश उसको भी ले लेता हूँ, तो 6 3 18 3-3 दिन देते हुए रिवीजन के लिए ना 5-5 चैप्टर करके रिवीजन करते हो तो भी रिवीजन अच्छे से हो जाता है, फिर एग्जाम भी अच्छे से दे सकते हो। तो इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए आपको, एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि भाई कैसे स्टडी करना है, बाय चांस किसी एक दिन किसी कारण आप नहीं कर पाए तो उस एक दिन का नुकसान होगा, अगर प्लानिंग किए रहोगे तो, अगर प्लानिंग नहीं किए तो बहुत ही नुकसान होता जाएगा। तो ट्राई कीजिए प्लानिंग कीजिए क्योंकि अब टाइम कम है, अब जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना पढ़ सकते हो, मैक्स को मिनिमम 2 आवर्स पर डे देना पड़ेगा, अब 1 आवर से कुछ भी होने वाला नहीं है, पर डे 2 आवर्स आपको मैथमेटिक्स को देना ही पड़ेगा अगर आपको मैथ्स में 100 out of 100 चाहिए तो, ओके तो ये ध्यान रखना आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये सब चीज़ ध्यान से देख लो कि इस तरीके से पढ़ना है, और अपने आपको झोंक दो 2 महीने के लिए, भूल जाओ दोस्ती यारी दुनियादारी सब चीज़ और झोंक दो लग जाओ।
आप 2 महीने के लिए लग जाओ पढ़ाई पे, बाकी जो होगा देख लेंगे। ओके, तो ये बस यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ। बस मेरी आपसे यही उम्मीद है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक ले कि भाई आप आप क्या करो, आज से ही स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। जिन्होंने स्टार्ट कर दिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। जिन्होंने स्टार्ट नहीं कर दिया, प्लीज़ आज से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। 60 डेज का चैलेंज है, आप उसको लीजिए और आराम से 85% मार्क्स अपना बोर्ड में स्कोर। ओके, तो ये है यहाँ पे, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।